नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 को कांग्रेसी पार्षद गोविंद पंडित ने मंगलवार को चौथी बार नगर परिषद सभापति पदभार संभाला। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त विकास कुमावत ने पंडित को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान पीसीसी सदस्य व विधानसभा प्रत्याशी पारस पंच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा सहित अन्य पार्षदों ने पंडित को साफा तथा माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद तथा हमारा सभापति कैसा हो, गोविंद पंडित जैसा हो के नारे लगाए। सभापति का पदभार ग्रहण करने से पहले गोविंद पंडित परिषद परिसर स्थित बजरंगबली के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बालाजी महाराज को धोख लगाई। पदभार ग्रहण करने के दौरान सभापति पंडित ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत का उन पर चौथी बार विश्वास जताने के लिए आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में शीघ्र ही फैसिलिटी की जमीनों पर 25 स्थानों पर गार्डन विकसित किए जाएंगे, ताकि शहरवासियों को गंदगी से निजात मिल सके। सभापति ने बताया कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े पट्टे शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। गोविंद पंडित के सभापति का पदभार ग्रहण करने के दौरान पार्षद अल्पराज मेवाड़ा, विकास दग्दी, अब्दुल मजीद कुरेशी, राकेश साहू, दिनेश बैरवा, भरत बंदेवाल, रामनिवास सेन, संपत्ति बोहरा, मेघराज बोहरा, माणक बोहरा, अनिल प्रजापति तथा पप्पू काठात, करबला मार्ग सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने निवर्तमान सभापति नरेश कनौजिया को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के प्रकरण में चल रही जांच के प्रभावित होने के हवाला देकर 16 नवंबर को दूसरी बार निलंबित कर दिया था। कनौजिया के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने सोमवार शाम को एक आदेश जारी कर वार्ड संख्या 23 के कांग्रेसी पार्षद गोविंद पंडित को चौथी बार 60 दिन के लिए नगर परिषद का सभापति मनोनीत किया है। राज्य सरकार ने श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने जो मुझ पर विश्वास जताकर मुझे चौथी बार पुनः मौका दिया गया है, तो मैं मीडिया के माध्यम से शहर की जनता को सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो अधूरे काम थे, जो मेरी सोच थी, मैंने अभी 25 गार्डनों का जो फैसिलिटी की ज़मीन है उनकी DPR तैयार कराई है, और शायद बहुत ही जल्दी उस DPR का टेंडर लगवा देंगे, जिससे कि शहर के अंदर जितनी फैसिलिटी की ज़मीन है जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन होए। और साथ ही मेरा आयुक्त महोदय मेरे साथ ही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और चलते हैं। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास देता हूँ कि आम जन के जो पट्टे जो बहुत लंबे समय से पड़े हैं, लोगों को पट्टों से राहत नहीं मिल रही है, तो मैं प्रयास करूँगा, आयुक्त महोदय से भी निवेदन करूँगा और सभी पार्षदों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी हमें कोऑपरेट करें और हम भी आपको कोऑपरेट करें और आम जनों के काम फास्ट गति से तेज़ी से काम हुए। खुशी केक एंड पेस्ट्री आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ। साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।